पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है भैया, किसी का ये कार्ड गिरा हुआ मिला है। 300 गाड़ी रुकवाई थी। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका भाई अनस पठान दोबारा आ गया एक और बहुत बेहतरीन व्लॉग के साथ। अभी जस्ट मम्मी पापा को मैंने मामा के छोड़ा है और आज मुझे नोएडा में है दो काम। पहला किसी चीज का ऑडिशन है वो देना है, दूसरा तो ये मान लो काम नहीं है, पड़ी डंडी है। मैंने क्यों ली मुझे पता नहीं। मतलब भाई मैंने डिंपल से ना पता नहीं क्या सोच के एक वादा कर दिया था कि तेरे को मैं जैकेट दिलाऊंगा, पता नहीं क्या यार। और भाई मेरा थोड़ा ऐसा सीन है कि जो बोल दिया जबान वाला जबान हमारी जबान चलती है। चप्पलों आए थे जी ऑडिशन के, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जूते पहन रहे हैं, जैकेट वैकेट देख रहे हो, फुल तैयार हो चुके हैं। अंदर जाके दे जाके फिर आगे के लिए निकलते हैं। भाई शार्प चार ऐसे बोला था कि बस जाओ 4 बजे खत्म हो जाएगा सारा मैटर। भाई यार अभी तक नहीं आए, भीड़ भड़ा का हो रहा है, खामा खा का यार। मुझे आगे भी जाना है, उसका भी फोन आ रहा है, इंतजार करा रहे हैं। बताओ तुम्हारे भाई को। कोई बात नहीं, कर लेंगे, थोड़ा अपना ही काम है। ऑडिशन हो गया है पर लेट हो गए हम, 6:12 हो रहे हैं और पूरा शेड्यूल जो हम सोच के आए थे ऊपर नीचे हो गया। तो अब जा रहे हैं हम डिंपल के पास, फिर वहाँ से जाएंगे मॉल, जैकेट दिलाएंगे। हाय हाय, क्या क्यों बोला मैंने जैकेट का यार, क्यों ऐसे वादे कर लेता हूँ। चलो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो भैया जाम में है, बस पहुँचने वाले हैं, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। यही है वो, ये लेट लेट कर रही है। आपको तो पता है क्या कितना घिस के आए हम। हद होती है यार किसी चीज की कसम से। तो तू तो ऐसे शर्मा रही है, क्या पहले कभी व्लॉग में नहीं आई तू? मैं आई हूं उसके लिए। यही है जिसको मैंने वादा करा, और क्यों करा पता नहीं। पता नहीं भैया कहाँ चलना है अभी, बता। DLF रास्ता पता है? नहीं, जिस रास्ते से तू आया हमें वही। ये दिन देखने रह गए थे, पीछे 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 घूमना पड़ रहा है भैया। मैं थक गया भैया पीछे घूम घूम के। मैंने कहा फोन कर दिया जब कुछ पसंद आया। नीचे तो नहीं आया पसंद भैया, अब ऊपर जा रहे हैं। लौंडे ठीक है भाई, हैं? यहाँ शायद मिल जाएगी। हाँ सही कह रही है, आइंदा से कभी ऐसे वादे ही नहीं करने, सबको ब्लॉक मार दो। मुझे जानना ही नहीं है। एक और बस देखो कैसे घूम रही है भूखे रंगों की तरह, ये हंट पे निकली है जैसे। ये अब ये गोल चक्कर घूम के यहीं वापस आ जाएगी। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, चलो चलो भाई। ये देखना ये H&M है और ये साला सरोजनी बना रखा है सेल के चक्कर में। ब्लर क्यों? हाँ करो ये देख रहे हो क्या हाल बना हुआ है। मुझे मिल गई है। फिर मिल गई है तो फिर बिल करवाना सीधा। भाई देखो तुम्हारे भाई अच्छा काम भी करता है, किसी का ये कार्ड गिरा हुआ मिला है। कोई बहुत अमीर इंसान है जो कार्ड छोड़ के गया है। गिरा हुआ मिला है नीचे, अब मैं काउंटर पे देने चाह रहा हूँ। मेरा मन तो एक अंदर का शैतान ऐसा कह रहा है कि तोड़ दे, पर नहीं, आई एम गुड बॉय। खर्च कर लूं? खर्च कर ही नहीं सकते ना, टैप वाला नहीं है। लिखा होता है शायद टैप है। अंदर का शैतान जाग रहा है। ले तू ले, कार्ड खाली खाली ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं फिर हम लेंगे नहीं। हो गया जी, हो गया, मुबारक हो, फाइनल हो गया। महंगा फोन क्या ले लिया, साफ साफ दिखाती है। चलो भाई चलो फाइनल घर चलो फिर। नहीं अभी तो तू खिलाएगी, यही तो डील थी। हाँ तो खिला दूँ, किसमें क्या है। हाँ जबान के मेरे साथ के जबान के पक्के हैं। आ गई पूरी। हाँ चल अनस, कैसा लग रहा है बिल कराते हुए? भाई वादा नहीं करूंगा कभी किसी से। अच्छा याद आया तुझे अभी? मुझे करना ही नहीं है। तो बिल करा, तो बिल करा। तो बिल तो करा। लाइन देख रहे हो गाइस, पैसे भी देने हैं और लाइन में भी लगना है। क्या लग रहा है अचानक में? नहीं 100 150 300 300। और ये कितने की है ये नहीं बताऊंगा अनस भाई। आते आते कलर चेंज हो गया, सेक्शन भी बच्चों का हो गया। इस टाइम से तेरे को फन आ रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे बहुत आ रहा है। सिम दिखा ले मेरा। आइए 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 आइए। थैंक यू। अब मैं बताती हूँ खाने को दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगी। मुझे जानना ही नहीं है भाई, तू खुश है ना, बस मेरे को नहीं जानना। देखा 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 कितना दिमाग घूम चुका है। ऊपर वाली अली सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ। तूने मुझे मैसेज किया था कि डिंपल मुझे हुडी दिला दे, मैंने कहा था मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे दिला, और तूने मुझे कहा चल ठीक है जो तू कहेगी वो दिलाऊंगा। इतना पागल हूँ मैं यार, इतना पागल कब से हो गया हूँ मैं।
आगे से किसी से कोई बात ही नहीं करनी इस ब्लॉग। अब नहीं लगूंगा मैं लाइन में, मेरा फर्ज हो गया पूरा। तो जी जैकेट का वादा मैंने पूरा कर दिया और खाने का डील चल रही है, प्रॉपर डील। देख रहे हो शक्ल पे ही कितनी उदासी दिख रही है मेरे। तो जी हम नोएडा आए थे तो हमने सोचा अब सबसे मिलते हुए चलते हैं। फिलहाल हम प्रियंका के घर पे आए हैं, बातें चल रही हैं और यहाँ से अब देख तो कहीं या तो कहीं और जाते हैं वरना अपने घर घर खेलेंगे। मिलते हैं जल्दी, तू तो साथ ही जा रही है। हाँ भाई खुश है अब, डन सब डन ठीक है, अब कोई वादा नहीं करूंगा। चलो भैया चलो भाई मिलते हैं, पहुंचो अब भाई, ओके। अब हम जा रहे हैं मामा के और ये जा रही है अपने घर, अब मिलेंगे बर्थडे पे मिलेंगे गाइस, ओके बाय। तो जी रात को हम मामा के आ गए थे उसको गिफ्ट दिलाकर और हम घर जा रहे हैं। और भाई अभी पता चला वो B3 और वो वाला जो है पोल्यूशन की वजह से जो रूल है वो दोबारा आ गया है, तो B3 बंदा है हमारी, तो शायद B4 है ऐसा कुछ है, अभी चेक नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हम घर की तरफ निकल तो गए और जल्दी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा बिल्ला भूखा है भैया, क्योंकि हम कल तो डाल आए थे रात तक का आज। अरे पुलिस वाले अंकल की आवाज़ दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ गाइस, कुछ कांड हो गया लगता है, रोक रहा हूँ सर। गाड़ी रुकवाई थी क्यों वो बताता हूँ, और वो क्यों रैप की वजह से, पर पुलिस वाले अंकल ओके नाइस पर्सन, उन्होंने कहा भैया जाओ ठीक है, उन्होंने बस ये बोला कि हटवा दे, तो मैंने बोला सर मैंने डिग्गी का हटवाया हुआ है तो आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क है नहीं, पर उन्होंने कहा जी RC में जो है वो गाड़ी में नहीं है तो इसको हटवा दो, पर गुड पर्सन, उन्होंने कहा जाओ आज छोड़ रहा हूँ। तो हटवाऊंगा तो नहीं यार, मतलब RC का ट्राई करता हूँ कि उसमें ही ब्लैक चढ़ जाए तो कहीं से। तो जी आ गए हैं हम घर, बिल्ला भैया इतना खुश हुआ देख के, भैया मुझे उम्मीद नहीं थी, देखो यहीं बैठा हुआ है ये रहा, और इसको खाना वाना दे दिया है, फुल राजी, ओके आजा हाँ ऊपर आजा आजा आजा, अरे आजा शिकारी बिल्ले, ये देखो शिकारी हो रहा है पूरा, अरे चिपट गया चिपट जा चिपट गया। और हम 2-3 दिन अब दोबारा से होम अलोन है, अरे भैया ऐसी क्यों आ रही है पता नहीं, पर हम 2-3 दिन से दोबारा होम अलोन है। अभी हम बाहर जा रहे हैं रोटी लेने के लिए क्योंकि मम्मी ने वहाँ से वो तो दे दिया है, कोरमा बना था कोरमा दे दिया है, हम रोटी लाते हैं और हमारा आज का खाने का तो डन हो जाएगा। अब जब तक अकेले हैं देखते हैं कुछ ना कुछ तो खा पी के पेट भरेंगे अपना। और भाई मतलब ये मानो बिल्ला तो चलो ठीक है, बिल्ले को तो कहीं से कुछ खाना वाना मिल जाता, हम चाबी दे के गए थे तो वो डाल देते, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर भी थोड़ी देर बैठे बैठे अजीब सा लगने लगता है। अब घर आया हूँ घर पर अकेला, वहाँ तो कम से कम लोग थे, अब घर पर अकेला यहाँ और अजीब लग रहा है। देखो कहीं पूछता हूँ, कहीं होके आ जाता हूँ यार, क्या करूँ कहाँ जाऊँ क्या, कुछ बताओ भैया कमेंट में क्या हो रहा है मेरे साथ ये। तो भैया बिल्ले बिल्ले को खाना वाना दे दिया, हमने भी सब खाना वाना खा लिया है और फिर मुझे एक बार जाना है क्योंकि मेरा एक दोस्त वो गोवा वाला याद है जो 2-3 लाख रुपए आ रहा था कसिनो में, कप्तान कप्तान कहते हैं हाँ, वो उसकी शादी है, बताओ 7 के लौटों की शादी हो रही है भैया, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इस बार हम बाहर से साफ करवाने जा रहे हैं, तो चलते हैं। गाड़ी का हाल ना थोड़ा ज़्यादा गंदी हो रही है भैया, करवाने वॉशिंग आए थे पर इसके ब्रेक भी वो हो रहे हैं तो ब्रेक पैड भी बदलवा रहे हैं, वॉशिंग कहीं और से करवाएंगे यहाँ पर तो टाइम लगेगा। ब्रेक पैड बदलवा दिए पर ब्रेक में वाला मज़ा नहीं आ रहा है, पर अभी धुलवाने जा रहा हूँ और दोबारा दिखाने जाता हूँ कि भैया क्या चक्कर है, ब्रेक एकदम मज़ा सा नहीं आ रहा ब्रेक में यार। लग गई जी नंबर आ गया, तो जी हम गाड़ी वाड़ी धुलवा के घर आ गए थे और ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।